विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से सावन के पवित्र माह में निकलने वाली राजा महाकाल की सवारी के दौरान कथित रूप से सोमवार को खाराकुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम समाज के युवकों ने भगवान महाकाल और भक्तों पर थूकने की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पूरे देश में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उज्जैन कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर अब घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान नगर निगम और पुलिस की टीम भी यहां मौजूद रही। कार्रवाई की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने दी। जैसा कि विदित है कि पिछले दिनों उज्जैन में एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धाम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिस पर से थाना खाराकुआ में तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया और उक्त असामाजिक तत्वों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के साथ ही साथ उन लोगों के पूरे रिकॉर्ड और उनकी पूरी जानकारी नगर निगम और रेवेन्यू को दी गई थी और उनके द्वारा उनके अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया था। उसी तारतम्य में आज सवेरे नगर निगम, रेवेन्यू और पुलिस की टीम द्वारा उक्त आरोपियों में से एक आरोपी के अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उसके अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने मकान तोड़े जाएंगे इसमें और किसका मकान? फिलहाल नगर निगम द्वारा हमें एक ही अवैध अतिक्रमण की सूचना दी गई थी, तो आज उसी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अनोखे तरीके से पुलिस पहुंची थी यहां पे डीजे और ढोल के साथ। जैसा कि विदित है कि कोई भी अवैध अतिक्रमण हटाने के पहले रेवेन्यू की टीम द्वारा वहां पर मुनादी करवाई जाती है, उसी मुनादी नियम के तहत आज उनके द्वारा मुनादी करवाई गई और उसके बाद ही अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। क्या कहेंगे सर आने वाले समय का? उज्जैन के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, सारे धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और सभी बहुत मिलनसार है और एक उज्जैन नगरी धार्मिक एकता का मिसाल है, और शांति कायम रखें और सारे त्योहारों को मिलजुल करके मनाएं और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें।